हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको मैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट टू फाइट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट टू फाइट बताया था। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो बंटवारा है या क्लासिफिकेशन है वो जिस आधार पर होता है वो अटैचमेंट फ्यूनिकल का बॉडी से अटैचमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी टू द फ्यूनिकल ओव्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ओव्यूल को हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्थोट्रोपस, जिसको अपराइट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज एनाट्रोपस, इसको इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं। हेमीट्रोपस, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। और कैम्पायोट्रोपस, इसको एंगुलर कहते हैं। और एम्फीट्रोपस, जिसमें जो एम्ब्रोसैक है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है। और सर्सियोट्रोपस भी एक प्रकार अपराइट होता है, लेकिन आफ्टर 360 एक पूरा बेंड होने के बाद अपराइट होता है। ये 6 प्रकार के ओव्यूल आपको अभी इसमें आप यही करके आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। पहला है ये ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में एक अपराइट ओव्यूल है, ये मोस्टली जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। इसमें ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चला जाए एंड है, और ये फ्यूनिकल है। ये तीनों एक सीन में होते हैं, माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, तीनों एक सेट राइट एक एक्सेस होते हैं, इसको हम अपराइट भी कहते हैं। दूसरा है इसके बाद ऑर्थोट्रोपस का दूसरा है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ये मोस्टली एंजियोस्पर्म पर पाया जाता है, और इसको हम इन्वर्टेड मीन्स, यदि इसको वैसा इन्वर्ट कर दें तो माइक्रोपाइल पार्ट नीचे आ जाएगा और चलाजल पार्ट ऊपर हो जाएगा और फ्यूनिकल ये, तो इसको हम इन्वर्टेड या उल्टा कह सकते हैं। इसमें यह है नीचे की ओर माइक्रोपाइल हो जाता है, इसमें ऊपर था नीचे आ गया तो इन्वर्टेड हो गया, ये ऊपर तो चलाजल पार्ट होता है। और तीन माइक्रोपाइल और चलाजल दोनों एक सीट में होते हैं, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म पाया जाता है। तीसरा है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में जो फ्यूनिकल है एन स्टॉक और जो उसकी बॉडी है वो एट राइटेंगल होती है, इसे इसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं। ये और ये एक दूसरे को 90 पर मिलते हैं, इसे इसको हम हेमीट्रोपस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कैम्पायोट्रोपस। कैम्पायोट्रोपस जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस और हेमीट्रोपस के बीच का है। ये एट्राइट एंगल में होता है, ये इन्वर्टर होता है, इन दोनों के बीच की स्थिति, तो ये और ये एंगल बनाता है, इसको एंगुलर भी कहते हैं। तो एनाट्रोपस ओव्यूल और हेमीट्रोपस ओव्यूल के बीच का जो ओव्यूल है वो कहलाता है कैम्पायोट्रोपस ओव्यूल। इसमें माइक्रोपाइल चलाजा एसी में होते हैं और ये फ्यूनिकल एक दूसरे से एक एंगल बनाते हैं, इसको एंगुलर भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में और कैम्पायोट्रोपस ओव्यूल में जरा सा फर्क है, इसमें भी फ्यूनिकल और जो बॉडी है वो एक एंगल बनाती है, लेकिन इसमें जो एम्ब्रियो सैक है वो बेंड हो जाता है और उसका जो साइज है वो एम हॉर्स शू से हो जाता है, हॉर्स की जो शू है उसके प्रकार का ये बन जाता है, इसी इसको हम हॉर्स शू सिफ्ट भी कहते हैं। और इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, इसमें एम्ब्रियो सैक बेंड नहीं होता, इसमें एम्ब्रियो सैक भी बेंड हो जाता है, तो ये कहलाता है एम्फीट्रोपस। अदर वर्ड इज सर्सियोट्रोपस। सर्सियोट्रोपस भी एक प्रकार का अपराइट ओव्यूल ही है, लेकिन जब ये पूरा चक्कर लगा लेता है इसके बाद पुनः अपराइट होता है,
360 चक्कर के बाद, तो इसमें भी जो माइक्रोपाइलेंट है वो चला गया इसी में होते हैं और ये फ्यूनिकल है, तो ये भी एक प्रकार का अपराइट ओब्यूल है। तो इसमें आपने ओब्यूल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक ओब्यूल को हमने आपको एक्सप्लेन किया, इनकी आप सभी लोग डायग्राम बना लीजिए और इनको अच्छी तरह से लिख करके हमें उसकी कॉपी भेजिए। नेक्स्ट टर्न पर हम बताएंगे द ट्रांसफर ऑफ पोलिनेट टू द स्टिग्मा, अर्थात पॉलिनेशन, हाउ द पॉलिनेशन अकर्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।